के मैदान में पाक भारत जंग आज छिड़ेगी। जो जीता सीधा फाइनल में जाएगा। हारने वाले के लिए अगर मगर की गेम चलेगी। ग्रीन शर्ट्स बैटिंग में जान लड़ानी है, फील्डिंग बेहतर बनानी है। फखर आज तो कुछ कर दिखाओ, कौम की दुआएं और उम्मीदें। मौसम बदला तो हवा में खनकी भर गई, सर्दी महसूस होने लगी। पंजाब में वक्फे वक्फे से बारिश, रावलपिंडी, मालाकंड और हजारा में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसम विभाग के मुताबिक कराची में गर्मी कम होने की उम्मीद। मैं अपने से कौम की तरफ से अपने पाक आर्मी को ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करने की जरूरत की तो सारी सिख कौम अपने पाक आर्मी के शाना बुशाना होगी। गुज़श्ता रोज भारतीय आर्मी चीफ की तरफ से पाकिस्तान को जंग की धमकी देने पर पाकिस्तानी अवाम में शदीद गम गुस्सा। ननकाना साहब में सिख कम्युनिटी के रहनुमा सरदार गोपाल सिंह चावला का भारतीय फौज के चीफ को करारा जवाब। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तानी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जहांगीर तरीन और सीनियर सूबाई वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद खान बट्टू की रहायशगाह पर मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीटीआई रहनुमाओं की मियां मंजूर अहमद खान बट्टू को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत। महकमा एंटी करप्शन ने पीएचए में तशहीरी बोर्ड की आड़ में होने वाली करप्शन की तहकीकात मुकम्मल कर ली। दो डिप्टी डायरेक्टर समेत चार पीएचए अफसरान और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लियाकतपुर में गुज़िश्ता रोज थाना पकालाड़ा की हदूद में जमीन के तनाज़ा पर दो ग्रुपों में तसादुम। इलाका दो घंटे तक मैदान जंग बना रहा। लड़ाई के दौरान थप्पड़ों मुक्कों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। तीन औरतों समेत छह अफराद जख्मी, आठ अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिहारी गिर स्टेशन के करीब अनुराबाद में बिजली की तारों के छू जाने से छत पर काम करते तीन मजदूर झुलस गए। एक मजदूर जां बहक, दो की हालत तश्वीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। खानपुर में कब्रें भी महफूज नहीं। चौक पीपल वाली मोरी पर शहरी कब्रस्तान से कब्रें मसमार करके नई कब्रें बनाई जाने लगी। शहरियों का अपने प्यारों की कब्रों को ढूंढना मुश्किल हो गया। आला अफसरान से मामले का नोटिस लेने का मुतालिबा। और पंजाबी जबान के नामवर सूफी शायर और शहर आफाक लोक रुमानवी दास्तान हीर रांझा के खालिक पीर सैयद वारिस शाह के 220वें सालाना उर्स की तकरीबात शुरू। शेखुपुरा के नवाही कस्बा जिंडियाला शेर खान में मजार को गुसल देकर तकरीबात का आगाज कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, रॉयल न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूँ सईदा गुलबतूल। और मैं हूँ बुशरा रशीद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, गुज़श्ता रोज भारतीय आर्मी चीफ की तरफ से पाकिस्तान को जंग की धमकी देने पर पाकिस्तानी अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है और भारत को वाज़े पैगाम दिया जा रहा है कि हम अमन पसंद मुल्क हैं, इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए, हम जंग के लिए तैयार हैं। इस वक्त जड़ावाला में हमारे नुमाइंदे गुलाम फरीद शहरियों के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस हवाले से शहरियों का क्या रद्द अमल है। जी गुलाम फरीद, बताइएगा। पाकिस्तान को अमन कसौटी लगाई है और जंग का ऐलान किया है, इस हवाले से हमारी जो पाकिस्तान की अवाम है वो उनका क्या रद्द अमल है, इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और क्या पैगाम देंगे। यही पैगाम देना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी चीफ को एक बार नहीं सौ बार सोचना चाहिए कि इंसानी अवाम एक पेज पर हैं और 20 करोड़ अवाम जो है पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े हैं। अगर उन्होंने ऐसी कोई गलती की तो उन्हें ऐसा सब सिखाया जाएगा कि सारी उम्र पूरी दुनिया और इंडिया के जो हिंदू हैं याद रखेंगे कि
मत समझे, हम जंग के लिए हमेशा तैयार है और अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं जी। बहुत शुक्रिया गुलाम फरीद। आगे बढ़े, कुछ बात करते ननकाना साहिब से। ननकाना साहिब सिख कम्युनिटी के रहनुमा सरदार गोपाल सिंह चावला ने भारतीय फौज के चीफ की जानिब से पाकिस्तान को जंग की धमकी देने के खिलाफ और पाकिस्तान फौज के साथ शाना बशाना खड़े होने का बयान जारी किया। इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। सिख कौम की तरफ से अपने पाक आर्मी को ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करने की जरूरत की तो सारी सिख कौम अपने पाक आर्मी के शाना बशाना होगी। और इंडिया वालों, मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान, जैसे तुम अपने भारत को कहते हो कि भारत माता है, तो पाकिस्तान पिता है और बाप बाप भी होता है। और माँ को चाहिए कि बाप के अंडर रहे और बाप से डरती रहे। अगर जरूरत पड़े तो सिख कौम हम तुम्हारी ईद के साथ ईद। आगे बढ़े और आपको बताएं, एशिया कप में दूसरा टाकरा पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट के दीवानों में जोश और खरोश पाया जा रहा है। नौजवान खिलाड़ियों का कहना है कि पाकिस्तानी टीम अपनी शिकस्त का बदला लेगी। साहिवाल से देखते हैं मलिक इरफान की ये रिपोर्ट। बिल्कुल, इस वक्त हम शेख जफर अली स्टेडियम में मौजूद है। पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप वर्ल्ड कप का ये दूसरा टाकरा होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ नौजवान क्रिकेटर मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं कि यह पाकिस्तान टीम ये मैच जीत विन कर सकेंगी। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगी। और मैं इंडिया को बताता चलूँ कि वो हमारे सामने बिल्कुल ही बचे हैं। हम एक आधा चांस देते हैं कि इंडिया खुश हो जाए। वहाँ भी पाकिस्तानी सपोर्टर बैठे हैं और मेरी पाकिस्तान पीसीबी से एक रिक्वेस्ट है कि मोहम्मद हफीज को प्लीज़ कम बैक किया जाए, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू सो मच जी। इनका कहना है कि पाकिस्तान बॉलिंग और फील्डिंग को अच्छी अपनी कारकर्दगी दिखा के भारतीय सूरमा को इस मैच में शिकस्त देंगे और फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। जी मलिक इरफान की रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं, फैसलाबाद पाकिस्तान और भारत का आज दुबई में एशिया कप का अहम मैच है और ये सिर्फ क्रिकेट मैच ही नहीं बल्कि एक जंग होती है और लोगों का कहना है कि ये जंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम ही जीतेगी। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से शेख निवीद वाडा। अपनी बात, सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। आज अहम मैच है एशियन कप सिलसिले में और इस सिलसिले में बच्चों का ये जज्बात है कि ये मैच नहीं, एक जंग होती है। फैसलाबाद के एक निजी स्कूल में यहाँ पर आज जो एशिया कप के सिलसिले में पाकिस्तान और भारत का मैच होने वाला है, इस सिलसिले में आइए जानते हैं हमारे ये नौजवानों के क्या जज्बात हैं और ये क्या समझते हैं इनकी जो टीम है वो किस कदर बेहतर है इंडिया की। ये पाकिस्तान का मैच इसलिए अहम है क्योंकि ये पाकिस्तान का हमसाया ममालिक भारत, इसके साथ हमारा मैच है और ये बहुत ही अच्छा मैच होगा देखने के लिए। इसमें पाकिस्तानी नौजवान न्यू टैलेंट है, फख्र जमान पर बहुत सारी उम्मीदें हमको और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। पाकिस्तान और भारत का मैच एक जंग होती है क्योंकि ये हमारा हमसाया मुल्क है, इसे एक जंग ही होती है हमारी। ये इंशाल्लाह आज का मैच पाकिस्तान जीतेगा, हसन अली विकेटें उड़ाएगा और फख्र जमान रन बनाएगा। आज अहम मैच है एशियन कप सिलसिले में और इस सिलसिले में बच्चों का ये जज्बात है कि ये मैच नहीं, एक जंग होती है और जंग अब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ये जीतेगा। और ये पाकिस्तान की जो टीम है उसमें बॉलिंग भी, बैटिंग भी और फील्डिंग भी हर शोबे में पाकिस्तान नुमाया है और बेहतर है इंडिया से। कैमरा मैन अबूजर शाह के साथ नवीद वाटा, रॉयल न्यूज फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, जहांगीर तरीन और सीनियर सूबाई वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद खान बट्टू की रिहायशगाह पर मुलाकात हुई है। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की जानिब से मियां मंजूर अहमद खान बट्टू को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दी गई। मियां मंजूर अहमद खान वटू से ज़िमनी इलेक्शन तांदलियावाला के हवाले से भी तफसीली बातचीत हुई। दूसरी जानिब मियां मंजूर अहमद खान वटू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला इमरान खान से बनीगाला में मुलाकात के बाद करेंगे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से तमाम मामला तय पा चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए मियाँ मंजूर अहमद खान के साहबजादे खुरम जहांगीर वटू की जानिब से फोर्स किया गया है। आगे बढ़े, कुछ बात करते हैं गुजरांवाला से। महकमा एंटी करप्शन ने पीएचए में तशहीरी बोर्ड्स की आड़ में होने वाली करप्शन की तहकीकात मुकम्मल कर ली। दो डिप्टी डायरेक्टर समेत चार पीएचए अफसरान और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन शेख फरीद अहमद के मुताबिक मुलजमान में डिप्टी डायरेक्टर मुनीर अहमद, अशफाक सनाउल्ला,
असिस्टेंट डायरेक्टर जिशान अकबर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर जिशान मतीन और शफकत अली शामिल हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक अंदरून शहर गैर कानूनी तौर पर तंसीब शुदा देवकामत बोर्ड्स इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बने हुए हैं। तशहीरी बोर्ड्स खतरनाक तरीके से रिहायशी और कमर्शियल इमारतों पर नस्ब हैं, जिन पर तशहीर की मद में होने वाला मुनाफा सरकारी खजाने की बजाय अफसरान और उनके फ्रंटमैन की जेबों में जा रहा है। डायरेक्टर जनरल PHA ने इस सिलसिले में किसी किस्म की तहरीरी हदायत अपने अमले को ना दी गई और ना ही जिले इंतजामिया से कोई मदद हासिल की गई। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन शेख फरीद अहमद कहते हैं PHA के सीनियर अफसरान के किरदार का तायुन दौरान तफ्तीश किया जाएगा। आपको अहम खबर दें, यहाँ पर मार्केटिंग इंस्पेक्टर जिशान मतीन और शफकत अली शामिल हैं। इंक्वायरी और रिपोर्ट के मुताबिक अंदरूने शहर गैर कानूनी तौर पर तंसीब शुदा देव इस वक्त अली भट्ट गुजरांवाला से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी अली भट्ट, बताइएगा। जी बिल्कुल, तशहीरी बोर्ड की आर ने होटल कलेक्शन की तहकीकात मुकम्मल कर ली है। चार अफसर के खिलाफ ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रेजिडेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन शेख फरीद अहमद कहना है कि मुलजमान मनीर अहमद शफाक सनाउल्ला, असिस्टेंट डायरेक्टर जिशान अकबर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर जिशान मतीन और शफकत अली शामिल है। जी जी, बहुत शुक्रिया अली भट्ट, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन शेख फरीद अहमद के मुताबिक मुलजमान में डेप्टी डायरेक्टर्स मुनीर अहमद, इशफाक सनाउल्ला, असिस्टेंट डायरेक्टर जिशान अकबर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर जिशान मतीन और शफकत अली शामिल होंगे। आगे बढ़े, कुछ बात करते हैं जामशोरो कौसरी साइड सचल सरमत कॉलोनी रहमानिया मस्जिद में शोदा इस्लाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत जमात इस्लामी के जिला जामशोरो के अमीर अब्दुल जलील शेख ने की। कॉन्फ्रेंस में दरसे कुरान पर इंजीनियर अब्दुल मालिक अमीर जमात इस्लामी तालुका कोटरी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कुरान मजीद के फजाइल बयान किए, जबकि जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर असदुल्ला भट्टू ने जमात इस्लामी की मुसलसल जिद्दोजहद पर रोशनी डालते हुए कहा है कि उनकी जमात मुल्क में बिला तफरीक एहतसाब पर यकीन रखती है और मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन के मुताबिक सजा और जजा का अमल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनकी KPK की हुकूमत में सूबे से सूद के निज़ाम का खात्मा हुआ है और उनकी कोशिश है कि सूद का निज़ाम मुल्क पाकिस्तान से मुकम्मल ख़त्म हो। मुल्क में बिला तफरीक एहतसाब पर यकीन रखती है और मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन के मुताबिक सजा और जजा का अमल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनकी KPK की हुकूमत में सूबे से सूद का निज़ाम का खात्मा हुआ है और इनकी कोशिश है कि सूद का निज़ाम मुल्क पाकिस्तान से मुकम्मल ख़त्म हो। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद पर ज़िले इंतजामिया को मुख्तलिफ मकातबे फिकर के उलमा की तरफ से खराज तहसीन पेश किया गया। मज़ीद जानते हैं बक्कर से ब्यूरो चीफ सैफुर्रहमान सैफ की इस रिपोर्ट में। जिले इंतजामिया और खुसूसन DPO बकर खुर्रम शुकपुर को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिनकी बेहतरीन इंतजामी सलाहियतों की वजह से मुहर्रम उल हराम पुर अमन तरीके से गुजर गया। इन ख्यालात का इजहार मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमा ने रॉयल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। उनका कहना था कि जिले इंतजामिया और पुलिस की सख्त सिक्योरिटी, बेहतरीन हिकमत अमली और अनथक मेहनत की वजह से आशूरा मुहर्रम उल हराम कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुए। खास तसल्ली बख्श इंतजाम किए गए थे, खास तौर पर इंतजामिया और DCO और DPO और ख़ास तौर पर DPO साहब ने जो भक्कर के दाखिली और खारजी रास्तों पर बहुत अच्छे इंतजाम किए थे। DPO साहब खुर्रम शकूर और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं वकास रशीद, उन्होंने पूरे 10 दिन बड़ी मेहनत से बहुत आला इंतज़ाम सिक्योरिटी का किया, जिसमें हमारे खारजी और दाखिली रास्तों को बड़े तसल्ली से मैनेज किया। एक सिक्योरिटी के हवाले से ख़ास तौर पर मुहर्रम में हसास तरीन अजला में शुमार किया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से, आवाम के तआवुन से और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर वकास रशीद साहब और ख़ास तौर पर DPO भक्कर जनाब खुर्रम शकूर साहब की मुसलसल मेहनत और कोशिश की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह भक्कर में आशूरा मुहर्रम बड़े पुरअमन तरीके से गुजरा है। तमाम ज़िला के तमाम मकाबद फिर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ भरपूर तआवुन किया, और इसमें सबसे अहम बात जो है वो बक्कर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की है कि जिनमें मेरे डिप्टी कमिश्नर साहब
جو کہ انتہائی منقسم مزاج ہیں، محترم ڈی پی او صاحب جو بات کو سننا جانتے ہیں انہوں نے ہماری بات کو سنا، ڈپٹی کمشنر صاحب نے ہمارے درد کو محسوس کیا، اور بکھر کا محرم جو ہے وہ ان کی پورے حمایت کے ساتھ بھرپور انداز سے بکھر میں پرامن طور پر گزر گیا۔ سیکورٹی کے حوالے سے میں سب یہ کہوں گا کہ ان کے پاس جو ذرائع سیکورٹی کے موجود تھے انہوں نے اپنے تمام ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے مکمل طور پر محرم کو پرامن گزارنے کی مکمل کوشش کی، اور ان سب کی کوششوں سے اور شہریان کی کوششوں سے محرم پرامن گزر گیا۔ ڈی پی او بکھر اور ڈی سی او صاحب نے بھی یہاں بہت کوششیں کی ہیں اور امن و امان کے حوالے سے اپنی آخری حد تک اس کو امن امان قائم رکھنے کے لیے اپنی بھرپور توانائیاں صرف کی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے سنگم پر واقعہ اور انتہائی حساس ضلع ہونے کے باوجود ڈی پی او خرم شکور کی بہترین حکمت عملی، سخت سیکورٹی انتظامات کی وجہ سے عاشورہ کا پرامن انعقاد ممکن ہوا۔ رپورٹ آپ نے جانی، مزید خبریں بھی شامل کریں گے، مگر یہاں وقت ہوا جاتا ہے نماز عصر کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔